रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज व अमान में रखे। व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं चिकन चंगेजी। तो उसके लिए हमने हाफ के जी चिकन लिया है, छोटे पीसेस में हमने कट करवा दिया है। कुछ ये बोनलेस है, कुछ हमारे पास हड्डी वाला है, तो ये मिक्स हमने लिया है। एक बाउल हमारे पास दही है, एक टेबल स्पून भर के हमारे पास लेमन जूस है। लेमन जूस की जगह आप इसमें सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। और एक टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। मसाले में हमारे पास नमक हसबे ज़ायका है और 1/4 टीस्पून हमारे पास हल्दी है। 1 टीस्पून भर के हमारे पास लाल मिर्च का पाउडर है। 1/2 टीस्पून हमारे पास काली मिर्च का पाउडर है। 1 टीस्पून हमारे पास धनिया है, कुटा हुआ धनिया। और 1 टीस्पून हमारे पास कश्मीरी लाल मिर्च है। और 1/4 टीस्पून और से भी 1/4 टीस्पून से कुछ कम हमारे पास जर्दा कलर है, ये ऑप्शनल है, इसे कलर बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो सबसे पहले इसमें जाएगा मसाला। आधा घंटा आप कर सकते हैं या सेम टाइम में आप बना सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम इसको मैरिनेट करके रख देते हैं। ये सब चला गया, मिल जाएगा लेमन जूस, दही जाएगा इसमें, एक टेबल स्पून इसमें जाएगा भर के लहसुन अदरक, तो अच्छे से मिक्स करेंगे 10 से 15 मिनट, आधा घंटा इसको मैरिनेशन टाइम हम देंगे। और या सेम टाइम भी बना सकते हैं। जब तक ये मैरिनेट होता है हम इसका मसाला तैयार करेंगे। चंगेजी चिकन का मसाला अलग से हम रेडी करेंगे। जी व्यूअर्स, अब हम मसाला तैयार करेंगे। 1/2 कप ऑयल हमने डाला है कढ़ाई में और 4 हमारे पास दरमियाने साइज के प्याज थे, हम इनको बारीक चॉप किए, ये इसमें जाएंगे। पैन में 1/2 कप हमने ऑयल डाला है, अब इसमें जाएगा चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था। सारा मसाला हम इसमें नहीं डालेंगे एक साथ, क्योंकि दही इसमें डाला था पानी छोड़ेगा। तो हमने इस चिकन को फ्राई करना है, थोड़ा सा कलर देना है। तो हम इस तरह पीस उठा के हम अपने पैन में रखेंगे थोड़े से फासले पे। जी व्यूअर्स, प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं, अब इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। मसाला हमारे पास है 1 टेबल स्पून हमारे पास है चाट मसाला। नमक इसमें नहीं डाल रहे क्योंकि चाट मसाले में नमक होता है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक इसमें यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून हमारे पास लाल मिर्च है और 1 टीस्पून हमारे पास है कश्मीरी लाल मिर्च। 1 टीस्पून हमारे पास गरम मसाला पाउडर है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 4-5 हमारे पास लौंग हैं और 3 हमारे पास छोटी इलायची हैं, ये सब इसमें जाएगा। उसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। मसाले की बहुत अच्छे से हमने भुनाई करनी है, फ्लेम मीडियम लो है। इधर चिकन हमारा हो रहा है, इसमें कलर आ चुका है, अब इसको हम साइड चेंज करते हैं। इस तरह कलर हमें चाहिए। ये जो लाइट लाइट है इसमें हल्का सा आ रहा है, स्पॉट आ रहा है, इस तरह हमें कलर चाहिए। सबको हम हल्के हाथ से चेंज करेंगे साइड इसकी। ये ज़बरदस्त कलर आ रहा है एक साइड पे इसका, यही कलर हमें चाहिए इसका।
कि हमने भुनाई कर ली है, थोड़ा सा इसमें पानी डाला है। अब इसमें जाएगा जो मेरे रिलेशन का हमारा बच्चों को मिसाल है, ये जाएगा दही वाला। हमारे पास 5-6 बादाम थे, 5-6 काजू थे, इनका हमने पेस्ट बना लिया है, ये इसमें जाएगा। टमाटर का पेस्ट है हमारे पास, 4 हमारे पास बड़े साइज के टमाटर थे, हमने उनका पेस्ट बना दिया, ये इसमें जाएगा। अच्छे से करते हैं इसकी बनाई। जी ये चिकन को हम देंगे कोयले का धुआं से, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। कोयले को हमने जला लिया, ऑयल जाएगा। मसाला माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के साथ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत ही ज़बरदस्त चिकन तैयार हुआ है माशाल्लाह। अब इसमें जाएगा दूध जाएगा। एक कप हमारे पास दूध है, ये जाएगा इसमें। तीन टेबल स्पून हमारे पास मलाई है, ये घर की जो फ्रेश दूध की होती है, ये इसमें जाएगी। आप इसमें क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। मीडियम लो फ्लेम पे हम इसको कुक करते हैं। जितनी आपने ग्रेवी इसकी रखनी है उस हिसाब से आप इसमें 1/2 कप पानी भी ऐड कर सकते हैं, ताकि अच्छी से इसकी ग्रेवी तैयार हो जाए और चिकन हमारा बिल्कुल गल जाए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हड्डी वाला चिकन भी था। मिर्च इसमें जाएंगी, लाल हरी मिर्च मिक्स है इसमें। 1 टीस्पून इसमें जाएगी कसूरी मेथी, से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। कुक करते हैं इसको जब तक हमारा चिकन अच्छी तरह गल जाए। मीडियम फ्लेम पे हमारा है जी व्यूअर्स, हमारा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चिकन चंगेजी रेडी हो चुका है। अब इसको हम डिश आउट करते हैं। जी व्यूअर्स, कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर बताना कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। दुआओं में याद रखना, मिलते हैं किसी और अच्छी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।